अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यहाँ पर चाइनीज़ पुलाव का एहतमाम किया जा रहा है। आज चार शबान की खुशी में यहाँ पे कुछ चाइनीज़ पुलाव पकाया जा रहा है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि चाइनीज़ पुलाव जो है ना किस तरह से पकाया जाता है देगों में। आपने वैसे घर में तो काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि चाइनीज़ पुलाव पकता है, तो मैं आज आपको दिखाऊँगा कि ये इस देगों में किस तरह से तैयार किया जाता है। बाबा जी कितनी देर पक पी देख समान बनावट जोड़ने ना समान तो जरा टाइम लगती तो समान को वल वल घंटा लग गए। अच्छा जी हाँ, चाइनीज़ पुलाव पक चाइनीज़ पुलाव पक गोश्त पेसूँ, मटर पेसूँ, बंद पा अंडे पेसूँ, बंद गोभी पेसूँ, गाजर पेसूँ, गोश्त पेसूँ, चिकन धोड़ के ये आप देख सकते हैं सामान रेडी है इसका। ये भी थोड़ी देर में इसको बनाएंगे। और ये चाइनीज़ पुलाव का सामान आया पड़ा है, ये इसमें 30 किलो चावल ऐड हैं, ये एक टप में अभी रह गए हैं, इसमें भी डालेंगे। और ये बाकी सामान आपके सामने है, इसको फिर काटेंगे, काट के इसमें जो है ना वो ऐड करेंगे, जो जो होता है मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। देखेंगे अभी चावल को साफ़ कर रहे हैं। ये देखें ये बच्चों ने काम स्टार्ट कर दिया है, अब ये मटर निकालना शुरू हो गए हैं। तो वो बनाओ तो दी मैं ठीक है, वो चापर वाले बनाओ, सारा सामान ये रेडी हो जाएगा। जितनी भी सब्जी डाली जाती है चाइनीज़ पुलाव में सारी यहाँ पे ऐड की गई है। ये चावलों का भिगो दिया गया है, ये टप में आ गए हैं चावल, एक और जो है टप वो रेडी हो रहा है ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा देसी माहौल है गाँव का, यहाँ पे दावत की जा रही है। ये देखें ये खड्डा खोदा जा रहा है ताकि यहाँ पे देखो का जो है इंतजाम किया जाए, उनको ऊपर चढ़ा जाए, और इसे खड्डा निकाल के यहाँ पे आग जलाई दी, यहाँ पे गड़ा खोद के आग लगाई जाएगी। देखिए जो है ना तमाम जो हैं देखे चाइनीज़ पुलाव होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइनीज़ पुलाव किस तरह से तैयार किया जाता है देसी माहौल में, और ये गांव में किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। जल्दी करो बात, क्यों देसी दावत तैयार की जा रही है जी, आपके सामने देख सकते हैं। अच्छा
अमेरिका ने फलानी फिल्म बनाई है प्रोड्यूसर बयान कर दिता कोरोना वायरस आमने लोग घर महसूर थी वेसन ठीक है खाना काबा बंद थी वेसन तवाफ बंद थी वेसन औलिया दे मिजार बंद थी वेसन अंबिया कराम दे मिजार बंद ओ बयान नहीं करें दे ए बयान करें के अमेरिका ने आके भाई जेड़ा है ना 2020 एक बीमारी आनी है कोरोना वायरस उनके जरिए जरा ना सारे मुल्क लॉकडाउन थी अभी देखे यहाँ पे गोश्त पर निकाला जा रहा है देख के अंदर डाला जा रहा है तो यहाँ पे फिर उबाल कर यहाँ के इस पर फिर साफ कर लिया जाएगा जो फिर वो चिकन का है दिखाता हूँ देखिए आग लगाई जा रही है यहाँ पे ये फिर इसको आग के ऊपर रखा जाएगा पेट्रोल डाल दिया गया ताकि इसको अच्छी तरह से जलाया जाए देखिए आग जल चुकी है अब इस देख को इस आग के ऊपर रखा जाएगा ताकि इस गोश्त को उबाल आ जाए अच्छी तरह से फिर इसकी सफाई करके इसको चावलों के अंदर ऐड किया जाए देखिए यहाँ पे माहौल बना हुआ है देसी माहौल जो है अच्छी तरह से जल चुकी है और इस देख को इस आग के ऊपर रखा जाएगा इसमें नमक डाला गया है ताकि अच्छी तरह से उबाल आ जाए कितनी देर उबले जी आधा घंटा लग गया जी उबले सू वाली कोला ज्यादा हड्डी निकाल के सू वाली दे विचो जरा जनाब ये पानी शानी सब कुछ बाहर निकाल दे सू और गोश्त के सू अंडे पे सू मटर पे सू पकड़ा देगा अब ये देखिए इसके ऊपर रखा जाएगा आग के ऊपर ताकि इसको जो है अच्छी तरह से उबाल आ जाए कितनी देर चो गला सी आधा घंटा लकड़ी बुला दो सी नमी भाई पानी गरम सी सी आधा घंटा लकड़ी बुला दे ये बनता पे सामान बनता पे वाले इंशाल्लाह पके ने घंटा लग सी तैयार दे सी इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि आधे घंटे में इसका उबाल आ जाएगा तो फिर इसका इंशाल्लाह एक घंटे तक ये रेडी हो जाएगा तो मुर्जा तो कहना हलवा तक जी के ये गोले फड़को जला जुकाम आ जा हां इन्हें क्या पता पहला
उसको लेके जा रहे हैं, इसको धोया जाएगा, फिर इसके बाद इसका फिर जो है साल को भी है उसका जी ही नहीं ना जल होने सेट बने समला मरे सेट बने अच्छा बड़े के सेट आना ये तू तो कड़े ना ना चला अल्लाह खैर इतना ठीक है जनाब जन ब्रीक सुनो खबर छोड़ दे सुन दे भाई क्या जी हाँ पैसे अच्छा इन्हें कुछ देख सटे सो अपने आप पीला रंग कितना दर्जन एक दे दो दर्जन एक दे देख लेंगे तीनों चूल्हों में लकड़ी डाली जा चुकी है इसके ऊपर ये देखें देखिए रखी जा रही है ताकि इसको जो है ना जल्दी से जल्दी बनाया जा सके जलाया जा रहा है देखिए अब तीनों देगे जो हैं ये चूल्हे पे आ चुकी हैं, अब इसमें लकड़ी लगाई जा रही है ताकि इसको जल्दी से जल्दी गर्म किया जाए और उसके अंदर जो है ये मसाला वगैरह बनाया हुआ है इसमें डाला जा सके। ये देखिए कुकिंग ऑयल जो है इसके अंदर डाला जा रहा है, ये देखिए जो है ये मुर्गी जो है चिकन जिसको पैर रुका कुकिंग ऑयल डाल रही है देखो के अंदर इसमें डाल चुका है Thank you.
ये टप फुल करके घिनो, फुल करके ये भी छोड़ो, ये सब दे के आप या तू ये देखें ये पानी आ गया है, ये फिर जो है डब्बे में भर के देगों में डालेंगे पानी। अक्सर इसे कर मेरा पुत्री गए, देखें कुकिंग ऑयल जो है ये गर्म हो रहा है। इसमें मसाले और घी और गोश्त वगैरह जो है इसको ऐड कर दिया गया है। आयोडीन करीब है कि ये देखें जो है ना अभी तैयार हो जाए, इसमें जो है ना सफेद मिर्च काली मिर्च, देखें ये सफेद मिर्च और काली मिर्च का जो है ना सफूफ तैयार किया गया था अलहदा से, उसे डाला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं उसका सफूफ है जो पाउडर की शक्ल में है, उसे डाला जा रहा है। देखें ये कम्प्लीटली जो है ना सारा मिक्सचर एक ही जो है ना शक्ल अख्तियार कर चुका है, अडाप्ट कर चुका है, और वो मेरे ख्याल में येलो कलर है, अंडे की जर्दी है। ये देखें ये जो मसाले वाले बर्तन थे उन्हें जो है ना खंगाल के इसमें पानी डाला जा रहा है ताकि मटेरियल जो है थोड़ा बहुत जो है वो ज़ाया ना हो। अब देखें इसमें आयोडीन डाला जा रहा है, ये देखें चाचा तो अंदाजा कीमत है बहन जितना नमक पावन है नजर जी असें रोजाना का काम है ना। अच्छा रोज का काम है थोड़ा वाले घाट वाली तो मान सकते तुरा कोई खास पैमाना है? अच्छा तुरा पैमाना है, अच्छा मैनुअल तरीके ना स्टैंड है, अच्छा जी सही है। चलें फ्रेंड्स मैं आपको मसाला दिखाता हूँ जो तैयार किया गया है। ये देखें ये शिमला मिर्च है जो इसे इतना बारीकी से काटा गया है, देखें आप फ्रेंड्स ये देखें ये शिमला मिर्च है सारी, इसे एक ही बर्तन में उंडेला जा रहा है। और ये बंद गोभी है देखें इसे बारीक बारीक काटा जा चुका है और तैयार है ये जो है ना डेग्स वगैरह में डालने के लिए। ये देखें फ्रेंड्स फूल की पत्तियों की तरह इसे जो है ना काटा गया है, ये देखें ये देखें ये गोश्त बॉयल शुदा गोश्त है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जा रहा है। मैं
ये भी काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है इसके मसाला जात तैयार करने के लिए। बनिस्बत जो है ना आम रूटीन के, क्योंकि जो आम देखें बनाई जाती हैं, आम चावल पुलाव वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें मसाला ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा मिक्सर डालने की, और मसाला भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये देखें इसका हर प्रोसेस अलग से किया जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स देखें ये जो सरका है, ये देखें ये बिल्कुल प्योर जो है ना पानी की तरह है, लिक्विडाइज्ड है बिल्कुल, लाइक इट्स लाइक अ वाटर, पानी की शेप में है। ये थोड़ा सा गाढ़ा है पानी से, तो इसका जायका तुरश होता है। इसका फ़ायदा मैं आपको दिखा रहा हूँ, गिज़ा को हज़म करता है, भूख लगाता है, मुख्तलिफ़ खानों में सूप वगैरह में हल्के जायका इस्तेमाल करें, मटन बीफ चिकन फिश को धोने और इनको तुरश करने के लिए इस्तेमाल होता है, गोश्त को टूटने नहीं देता, अचार और केचप की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है, अज्जा पानी एस्टिक एसिड शुगर साल्ट। देखें इसमें एस्टिक जो एसिड है वो इसका जो है ना ख़ास मरकब है, ठीक है ना। ये सरका है भाई, देख लें आप और से देखें इसे, तो एक देख में ये पूरी बोतल डाली जाएगी, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, लेकिन इसका वक्त नहीं है अभी डालने का, तो जब ये डाली जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स इसमें मसाले जात सारा कुछ डाले गए हैं, अब इसे टेम्परेट करने के लिए जो है ना रख दिया गया है। देखें कॉन्टीन्यूसली इसमें जो है ना आग को जलाया जा रहा है, आग बुझने नहीं दी जा रही, एक मुसलसल टेम्परेचर पर इसे जो है चढ़ाया गया है। ये देखें ये इसके आप झाग देख सकते हैं, ये देखें ये उभरने लगी है अभी, ये देखें ये आप बॉयल हो रहा है, शायद अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। आप देखें फ्रेंड्स इसमें जो है ना चावल डाले जा रहे हैं, चाइनीज़ चावल, ये देखें अब जो बॉयलिंग प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मध्यम होता जा रहा है, वो किनारों से देखें ये थोड़ा बहुत जो है ना बॉयल हो रहा है, अब ये भी ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक ये ठंडे चावल पहुँच जाएंगे ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो 15 से 20 मिनट तक इसे जो है ना आग पे रखा जाएगा, उसके बाद जो है ना 10 मिनट के लिए फिर इसे जो है ना अलहदा से अंगारों पर रखा जाएगा, ठीक है जी, तो जिसे हम दम कहा जाता है, तो आए पूछते हैं इनसे मुकम्मल प्रोसेस। अच्छा जी रसो हम सारे मटेरियल वगैरह इम्प्योरिटीज़ सारा कुछ सारा कुछ ऐड करके दें, मसाले वगैरह सिरका पावने सरका तो पावने है, उस तो अलावा भाई कुछ चीज़ रही बस कंप्लीट है, ओ पावनी है शिमला ते बंद गोभी ओ तो उनाज पास ना इनाज पास इनाज कंप्लीट है सब पावनी कई सै कंप्लीट है। अच्छा इनाज बंद गोभी हाली पावनी है ते शिमला मराची पावनी है ओपन थी। अच्छा जी अच्छा बंद गोभी शिमला मराच वाल सरका पेसो अच्छा जी वाल कितना मिनट की तई को भात खान दो अच्छा 15-20 मिनट यानी समझो अच्छा पक्की भा है ना ठीक है जी वालों तो बात कही चाह बहुत इन जो इन चुल्हा तो लेसो जले इन चुल्हा तो लेसो वाल चौकी देर की तई ने को वाल आधा घंटा ला था दम ते देसो। अच्छा तो प्रोसेस आपने जान लिया फ्रेंड्स, मैं जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं ये काम नहीं करता, तो चचा के बकौल मैंने आपको
सारी इंफॉर्मेशन जो है ना दिलवा दी है फ्रेंड्स। ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर तजर्बा हो, महारत हासिल हो इस काम में। ये कुछ आइटम रह गए हैं जो इसके अंदर डालने हैं, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में ऐड हो देंगे, जैसे ही इसको दम आएगा उससे पहले इसको डाला जाएगा। ये देखें जो है ना, ये शिमला मिर्च और ये बंद गोभी जो है इस टाइम ऐड होगी इसमें थोड़ी देर के बाद, ये मौजूद है यहाँ भी। ये देखिए हम चावल ये डाले जा रहे हैं इसके अंदर, सब्जी पहले से ऐड हो चुकी है, अब ये चावल डाल रहे हैं। ये देखते जी, ये चाइनीज पुलाव जो है ये तैयार हो गया है। ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद इसको दम लगा दिया जाएगा। तैयार है बिल्कुल। ये देखें तीनों देगों में जो है ये चावल ऐड कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ये अल्हम्दुलिल्लाह से काफी बेहतर हो गया है और काफ़ी खूबसूरत कलर हो गया इसका। समझ लें कि हमारी देगें जो हैं बस ये तैयार हो चुकी हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ये जो है ना अब कितने टाइम में रेडी हो जाएंगे। जी सर, बस 20-25 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह, तैयार है। ठीक, ये कह रहे हैं कि 20 से 25 मिनट में जो है ये रेडी हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी खूबसूरत रंग आए हैं। अख्तर ये देखिए, इसके साथ ये कोयला लगाया जा रहा है ताकि इसको अच्छी तरह से जो है ना दम लग जाए। अब ये देख सकते हैं इसके साथ ही कोयला लगा रहे हैं ताकि इसको अच्छी तरह से दम आ जाए। 10 से 15 मिनट इसको दम के अंदर रखा जाएगा। तैयार हो चुकी है, 5 से 10 मिनट में ये भी रेडी हो जाएंगी।
ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਹੈ ਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਪੇ ਨਹੀਂ ਮੱਲੇ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਾ ਬਾਤ ਬਸ ਪੈਰ ਬੰਦ ਮਾ ਬਾਤ ਬਸ ਆ ਗਏ ਜਲਦੀ दुआ मंगे सुबह करे दूसरी जो देखे हैं जी भी तैयार हो चुकी है, सिर्फ दो से चार मिनट में इनको उतार लिया जाएगा आग से। ये जो मसाले रह गए इनको भी ऐड किया जाएगा। ये देखें इस दूसरी देग को भी उतार लिया गया है। ये देखें तीसरी जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से पक चुकी है, विदिन टू मिनट इसको भी उतार लिया जाएगा। इसमें जो है अब ये बंद गोभी ऐड की गई है आज के साथ। अब ये जो है सिरके की बोतलें इसके अंदर डाली जा रही है ताकि इसका जायका मज़ीद बढ़ाया जाए। कपड़े बदले इसके साथ कोला लगाया जा रहा है ताकि इसको अच्छी तरह से दम आ जाए और ये चावल जो है ये कच्चे ना रह जाए, पक जाए पूरी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो हमारी देगें हैं पक के तैयार हो चुकी हैं तीनों देगें। देखिए जो है लंगर अब चलना शुरू हो चुका है। खवाज अपनी लेबर को रजा आ गया। खवाज अपन लोग फोन तक ही देखा है। आ क्या आया खड़ा फोन करना अभी आ। कहां है तेरे वहां क्या आया है? इधर आ क्या है खड़े कुछ कर। मिल जाओ ना यार पहले को मर दे। मैं उठो उठे ठीक हूं मैं। आ क्या आया खड़ा फोन करना अभी। हां ले और तू हां एक मिल गए नोडे पर बंदे बैठे बैठे ज्यादा नजर आनी कुदे दे हो यार कादा ना पकड़ था छुआ तेरे बंदा पूरी है डूडू चार्जर लेने भाई बर्तन थोड़े असो वाला के लंगर ने मुकदा लंगर तेरे ते बर्तन ना कुटंदा लंगर ने मुकदा नहीं पे बंदे खाल नहीं पे बाद अल्लाह पा दे।
अल्हम्दुलिल्लाह से दावत जो है ये शुरू हो चुकी है और अभी भी लोग जो है ना आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोग आपके सामने आप ये देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अपने हौसले की लानी को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।